नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार दोबारा से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। साथ में दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो कर सकते हो, सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं, अगर आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टा फॉलो करते हो तो जो हर संडे प्राइवेट क्लास होती है उनके लिंक्स अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्टली मुझे स्क्रीनशॉट टैग या मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज के माध्यम से। मैं आपको डेफिनेटली अपने प्राइवेट क्लास के लिंक्स दे दूंगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आप रिलायंस पावर और जेपी पावर शेयर के बारे में। लगातार आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं इन स्टॉक्स के बारे में भी कि क्या कर सकते हैं। तो यार देखो, पहले बात करते हैं डिलीवरी परसेंटेज के बारे में। तो यार स्टॉक्स में ना वॉल्यूम तो काफ़ी तगड़ा वाला आता है इन दोनों स्टॉक्स में, ठीक है। रिलायंस पावर में देखो आज भी स्टॉक में 49 लाख शेयर लोग घर लेके गए, 49% डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं जेपी पावर की तो यहाँ पर भी आपकी 85 लाख शेयर लोग घर लेके गए हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 60% डिलीवरी स्टॉक में उठाई गई है, तो मतलब लाख करोड़ शेयर तो स्टॉक में आराम से बाय सेल हो जाते हैं। अब आता है क्वेश्चन कि स्टॉक को कहाँ बाय करें। तो मैंने आपको बहुत क्लियर वर्डों में पहले भी कह रखा है कि अगर आप ट्रेंड को पकड़ोगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। तो देखो अभी रिलायंस पावर का जो ट्रेंड है इसका एक रजिस्ट्रेशन एरिया ये मोटा मोटी ये रहा 20 रुपी, मतलब 20 रुपीज नीचे 17-18 रुपये के आसपास ये लगातार इसको रजिस्ट करके नीचे गिरता है। तो इट मीन्स यहाँ अभी स्टॉक एक सपोर्ट रजिस्ट के बीच में झूल रहा है। इसका रजिस्ट्रेशन 17-18 रुपये का है, सपोर्ट इसका 12-13 रुपये के बीच का है। तो ये स्टॉक अभी यहीं ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो जब भी ये स्टॉक सपोर्ट के आसपास आता है तो यू कैन बाय, आप सोच सकते हो बाय करने का एंड आप रजिस्ट में इसको सेल कर सकते हो। तो ये स्टॉक अभी यहीं घूम रहा है और लंबे समय तक ये यहीं घूमते रहेगा, लास्ट एक साल का तो डेटा में यही बता रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिलायंस पावर में क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल, की सुधार हो रहा है कुछ या फिर जस्ट एक बोल सकते हो कि आपको फंसाने वाला काम किया जा रहा है। क्योंकि देखो ये दोनों स्टॉक ना बहुत पहले बहुत सस्ते दामों मिला करते थे 4-5 रुपये। अगर आपने उस समय हिम्मत दिखाई होती तो डेफिनेटली पैसा बनता आपका। आई नो बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया होगा क्योंकि मैंने बहुत बार इनके ऊपर बात करी है सस्ते दामों पे, जैसे जेपी पावर 2 रुपये के प्राइस में और आपका रिलायंस पावर 5 रुपये के प्राइस में। आज दोनों स्टॉक्स ने पैसा हमारा 1x तो कर ही दिया है, राइट। बहुत लोगों ने माइट भी यहाँ तक अभी होल्ड कर रखा हो क्योंकि मैंने भी इन्वेस्ट किया था, मैंने भी इन दोनों स्टॉक्स को ट्रेडिंग पर्पज से बाय किया था, पैसा मल्टीप्लाई हो गया मैंने एग्जिट कर दिया। तो अगर आपके मन में भी यही है कि स्टॉक में पैसा मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, फंस चुके क्या करें, तो देखो मार्केट का काम का तरीका समझो। जो स्टॉक ऑलरेडी पंप हो चुके हैं मात्र एक महीने में 40-50% रिटर्न देके चले जाते हैं ना, देखो जैसे ये रिटर्न आई थी, तो अगले 6 महीने में ना उनका रेंज होता है, वो एक रेंज पर ट्रेड करने लग जाते हैं। अब वो रेंज का मेन पॉइंट क्या होता है, देखो वहां पर होता है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर एक्युमुलेशन पॉइंट। अब ये पता कैसे चलेगा डिस्ट्रीब्यूशन है एक्युमुलेशन है, बहुत सिंपल है भाई, ये देखा करो कि पास में उसने रिटर्न कितने प्राइस से दिया है। अगर उसने 1x और 2x रिटर्न दे दिया है पास में तो वो एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस होता है और वो 6 और 8 महीने 1 साल का होता है। जैसे देखो रिलायंस पावर में 1 साल का है पूरा, देखो 1 साल का है, और जेपी पावर में देखो ऑलमोस्ट अभी 6 मंथ का चल रहा है, मोटा मोटी 4 या 5 महीने का होगा ये, मोटा मोटी 4-5 महीने का देखो अभी ये चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी यहाँ पर अगर आपको मौका ढूंढना है तो SL के साथ काम किया करो। अब देखो मैं अगर इसको बाय करूंगा जेपी पावर को, वैसे मैं बाय नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि मैं कभी भी प्राइस को देख के बाय नहीं करता हूँ, ध्यान रखना। जो लोग कहते हैं कि प्राइस एक्शन को फॉलो करो, प्राइस एक्शन का मतलब क्या है, मतलब ये है कि आपके पास एक स्ट्रेटजी सेटअप होना चाहिए, ठीक है, प्राइस एक्शन का मतलब वो है, ठीक है। तो अगर मैं स्टॉक को बाय करता हूँ, इनकेस मैंने कर लिया है बाय, तो मैं 6 रुपये का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करने वाला हूँ जेपी पावर में। और आर पावर में मैं आपको बता चुका हूँ अभी सपोर्ट रजिस्ट्रेशन के बीच में घूम रहा है, 10 रुपये का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करने वाला हूँ। तो ये दोनों स्टॉप लॉस आप चाहो तो दोनों स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। और एक बार देख लेते हैं कि दोनों के अभी के भी कुछ चेंजेस तो नहीं हुए कि कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट हुए हो, कुछ देख लेते हैं। तो देखो ये जो आपका रिलायंस पावर है ये स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से काफी सस्ते में ट्रेड कर रहा है। देखो स्टॉक की बुक वैल्यू 38 है, तो देखो उम्मीद है कि स्टॉक यहाँ जा सकता है, गारंटी नहीं है, ठीक है। अगर आप ये सोच के चलो कि ये यहाँ जाएगा जाएगा, और ध्यान रखना ये यहाँ जा सकता है लेकिन टाइम लग सकता है, 2 से 3 साल भी लग सकते हैं, क्योंकि 13 रुपये का इसका प्राइस है। अगर ये 38 रुपये जाता है तो 3x होता है पैसा, और 3 सालों में या 2 सालों में पैसा 3 गुना का मतलब समझ रहे हो, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा 5 या 6 साल में डबल होता है, ठीक है, 1x का रिटर्न 5 या 6 सालों में आता है। तो भैया स्टॉक में आपको 2 साल में अगर पैसा 3 गुना हो जाता है
तो ये डिसेंट रिटर्न नहीं है, जबरदस्त रिटर्न है। अब मर्जी आपकी कि आपका माइंड सेट किस प्रकार से है, ठीक है। तो यह जा सकता है, नो डाउट। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ ना कि स्टॉक का अगर बुक वैल्यू हाई है तो उसको टेस्ट करने जाता है, ठीक है। लेकिन भाई टाइम लगता है, 5 साल भी लग सकते हैं। अगर 5 साल लगते हैं और पैसा 3 गुना होता है तो बहुत बढ़िया रिटर्न है। अगर आपने यहाँ 1000 क्वांटिटी 500 क्वांटिटी बाय करके रख रखी है तो आपका पैसा 3 गुना हो गया, 3x हो गया, जो मेरे हिसाब से ऑसम रिटर्न है। तो ये भी एक अच्छा लॉजिक है स्टॉक को होल्ड करने का, लेकिन SL के साथ करना है। अगर आपका एक बार SL हो जाता है तो आप स्टॉक को दोबारा री एंट्री करो, ठीक है। यही होता है प्रॉपर ट्रेडिंग प्लान, प्रॉपर रूल्स को फॉलो करो, ठीक है। यही होता है असली बिजनेस। अगर बिजनेस में कोई प्रोडक्ट आपका मांग के चलो बिक नहीं रहा है तो आप उसको क्या करते हो, लो कॉस्ट में निकाल देते हो ना, मतलब लॉस कट करके उसको निकाल देते हो। अगर आपने 100 रुपए की इसमें इन्वेस्ट करी है तो आप उस प्रोडक्ट को 60 या 70 रुपए में बेच देते हो, समझ गए। तो यही स्टॉक मार्केट है। अगर 10 रुपए में आपने बाय किया है तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये ना पैसा बना के नहीं दे रहा है, आपको लॉस दे रहा है, तो आप क्या करोगे, उस लॉस को बुक कर लोगे 2 या 3 रुपए का जो भी लॉस दे रहा है, ठीक है। तो यही बिजनेस का रूल है ना, थंब रूल, ये तो कहता है। अब आप उससे जो पैसा आया उस पैसे को दूसरे बिजनेस में डालोगे, मतलब दूसरे स्टॉक में डालोगे, समझ गए। तो यही चीज तो है भैया, बिजनेस की तरह देखो उसको, तो डेफिनेटली ग्रो करोगे। नहीं देखोगे तो यार आपको 2-3 साल भी कम लगेगा इसमें। आप बोलोगे यार 2-3 साल में रिटर्न नहीं आई, लेकिन जिसको लॉन्ग टर्म यहाँ पर रुकना है उसको 2-3 साल में तो कुछ नहीं आने वाला, ठीक है, अगले 10-15 सालों में आएगा। अगर 10-15 सालों के माइंड सेट से आ रहे हो तो भाई डेफिनेटली ग्रो करोगे। नहीं आ रहे तो भाई फिर तो आपको आप FDRT करा लो, वहीं खुशी मना लो, हर साल पैसा मिल जाता है, उसमें खुश हो जाओ बस, ठीक है। बाकी आप देख सकते हो लगातार नेट प्रॉफिट यहाँ पर ठीक आ रहा है, और साथ में एक और चीज़ यहाँ पर हुई है शेयरहोल्डिंग पैटर्न में, आई थिंक, ठीक है। वहाँ पर ये हुई थी कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज करी थी, राइट, 9% से 24% कर दी थी। तो दो लॉजिक स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म होल्ड कर रहे हो, क्या प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुई है, बुक वैल्यू से काफी सस्ते में ट्रेड करा, लेकिन आपको SL लगाना है 10 रुपये का, उसको आपको नहीं भूलना है किसी भी हालत में। अब बात करते हैं JB पावर में क्या चेंजेस हुए, तो देख लेते हैं JB पावर। तो JB पावर भी देख सकते हो दोस्तों, ये स्टॉक अभी अपनी बुक वैल्यू से सस्ते में ट्रेड कर रहा है। 11 रुपये का इसने हाई टेस्ट किया, 15 रुपये की बुक वैल्यू देखो, तो देखो ऑलमोस्ट 15 रुपये ये टेस्ट नहीं कर पाया, नीचे गिर गया 3-4 रुपये पहले ही, राइट। प्लेज होल्डिंग 94% है, राइट। नीचे लेके चलता हूँ, नंबर्स देख लेते कंपनी के। तो यहाँ दिसंबर पे कंपनी का प्रॉफिट हुआ है 107 करोड़ का, अच्छी बात है भाई, कंपनी ने डिसेंट प्रॉफिट दिया 107 करोड़ का, बहुत जबरदस्त प्रॉफिट दिया है। इसका मतलब उम्मीद है कि कंपनी अगले साल भी प्रॉफिट दे दे, और लास्ट 2 सालों में देखो कंपनी के प्रॉफिट इंक्रीज हो रहे हैं, 321 करोड़ का करंट रिटेन प्रॉफिट दे दिया है, मतलब कंपनी के नंबर इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। और साथ में आप देखो कंपनी के रिजर्व पॉजिटिव आ चुके हैं, और डेट कंपनी का 23,000 करोड़ से 5,000 करोड़ हो चुका है, मतलब कंपनी काफी बड़ा डेट चुका दिया है। एंड यहाँ पर देखो प्रमोटर्स की होल्डिंग 24% है, FII की होल्डिंग 1.2% है, DII की होल्डिंग 23% है, ठीक है। तो आप देखो कि कंपनी में आपको कुछ इंप्रूवमेंट दिख रही है। और अगर आपको याद होगा, मुझे थोड़ा याद होने लग गया, याद ये आने लग गया कि भाई दिसंबर पे कंपनी जो प्रॉफिट दिया था ना, मैंने वीडियो बनाया था, और उस समय स्टॉक का प्राइस आई थिंक 8 रुपये था 9 रुपये था, और लोग ना सोच रहे थे कि स्टॉक का प्राइस अब 10 रुपये जाएगा 20 रुपये जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ उसका, क्योंकि मुझे याद आ रहा किस प्राइस में था, और मैंने आपको एक बात बोली थी कि स्टॉक को बाय मत करो, क्योंकि यार बात को समझा, इधर ट्रेड करता 9 रुपये के आसपास, और मैंने आई थिंक यहाँ की ट्रेड करता 8 रुपये के आसपास। मैंने क्या बोला था, बाय मत करो, ठीक है। ये मेरी वर्डिंग थी, मेरी वर्डिंग क्यों थी, रीजन समझो आप। मैंने क्या बोला, ये जो मूवमेंट स्टॉक में आई ना, ये मूवमेंट ये उसके प्रॉफिट नंबर्स के आने के पहले हो चुका है प्राइस, समझ गए। मतलब जो बड़े प्लेयर्स थे उनको पता था कि कंपनी में बड़ा इवेंट होने वाला है, नंबर्स अच्छे आने वाले हैं, और वो इवेंट उन लोगों को पता था, इसलिए उन्होंने पहले यहाँ पर बाय करके होल्ड करा, और यहाँ स्टॉक में माल बेच दिया, मतलब पब्लिक को पेल दिया माल। और पब्लिक को कब पेला, जब कंपनी के न्यूज आउट हुए, तो हमारा जो रिटेल है उसको खबर कब पता चलती है, मतलब जब वो मतलब बाय करता है, वो बाय कब करता है, जब उसको खबर आती है मनी कंट्रोल के द्वारा, CNBC के द्वारा, ठीक है। कई न्यूज आर्टिकल ब्लॉग आर्टिकल पढ़ लेते हैं, भैया कंपनी के अच्छे नंबर आ गए, तो न्यूज आने के बाद, अच्छे नंबर आने के बाद पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे पब्लिक, और यही सबसे बड़ी वो गलती करते हैं। ये बात मैंने पहले वीडियो में बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ, कभी भी पैनी स्टॉक्स में, बड़े स्टॉक्स में पैसा तब इन्वेस्ट करो जब वो एक रेंज बना रहा हो। रेंज का मतलब होता है कि महीने 3 महीने की रेंज बना रहा हो। अगर आपने वहां पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो पैसा मल्टीप्लाई 101% होगा, और तब बाय करोगे जब कंपनी के रिजल्ट आउट हो चुके हैं, तो पैसा मल्टीप्लाई नहीं, पैसा डिक्रीज होने वाला है, ठीक है। अब ये लॉजिक किसको समझ आता है, नीचे कमेंट कर, लाइक पक्का कर दें इस बात के लिए कि हाँ हमने आपको बताया था, ठीक है। यहीं उस समय प्राइस ट्रेड कर रहा था, और अभी भी आपको ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आपने गलती से बाय कर लिया है
₹6 का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करो जिस पावर है बस, ठीक है। तो ये अपडेट है दोनों रिलायंस पावर जेबी पावर में। आप देख लो आपने स्टॉक को क्यों बाय किया, कैसे बाय किया, दोनों व्यू मैंने आपको दे दिए, तो दोनों व्यू को प्लीज फॉलो कर लेना, राइट। बाकी मिलता है अगली क्लास में।